सारे दोस्तों ने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है। कैनरो के अंदर एज अ एरिया मैनेजर हासलपुर के अंदर काम कर रहा हूँ। आज हम इधर बख्शन खां के एरिया में मौजूद है। तो ये हमारी कैनरो की वैरायटी थी हाइब्रिड HC021C, ठीक हो गया जी। तो ये हमने कैनोला लगवाया था, तो आज इनका फील्ड विजिट करने के लिए आए हैं। तो ये कहते हैं कि देसी घी के बाद जो सबसे अच्छा ऑयल है वह सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल का क्या मसला है, उसके अंदर अरूसी केसर 40% होता है, 40% वो अगर हम मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अब हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, वो है कैनोला का ऑयल, ठीक है जी। अगर हम कैनोला का ऑयल अगर लेते हैं बाज़ार से, उसके अंदर 80% पाम ऑयल वगैरह ब्लड किया हुआ होता है, ठीक है, वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होता। तो आप, हम खड़े हैं कैनोला के फील्ड में, आप इस तरह करें, किसी ज़िम्मेदार, ये अब मौसम है, किसी ज़िम्मेदार से ओरिजिनल सोर्स कैनोला लें या किसी ट्रस्टेड सोर्स से, तो उसका खुद तेल निकलवाएँ और उसको इस्तेमाल करें। बहुत कम होता है इसके अंदर अरूसी केसर होता है 0.75, ठीक है, 0.7। तो बाकी ये कि जो सरसों का तेल है उसके अंदर 40% अरूसी केसर है। तो इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। इसका प्लान बताएं ना, खाद वगैरह का प्लान बता दें, पानी का प्लान बता दें, लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि ये हमने क्या चीज़ डाली है, कोई नई चीज़ तो नहीं इसमें डाली। नहीं, इसके अंदर हमने कोई चीज़ नहीं डाली। ज़मीन की जब तैयारी करते हैं, जब उसको शुरू के अंदर सिर्फ एक DAP की बोरी, ठीक है, उसके बाद जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, उसके बाद हमने एक अमोनियम सल्फेट और इसके बाद तीसरे पानी के ऊपर सल्फर के 2 किलो की एप्लीकेशन करवाई थी, और एक्स्ट्रा बिल्कुल कोई चीज़ नहीं हमने इसको डाली। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इसके फली के अंदर दाने को कुछ नहीं हुआ, लेकिन राय पे बहुत ज़्यादा कोरे का असर पड़ा है, तो क्या इस पे कोरे का कोई मसला नहीं बनता? इसका कोरे के ऊपर इस वजह से असर नहीं है क्योंकि ये हमारा 15-20 फरवरी के बाद फ्लावरिंग इसकी स्टेज को स्टार्ट होती है, उसी टाइम के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर इसने फ्लावरिंग फली का स्टेज कम्प्लीट कर देनी होती है, तो इसके ऊपर कोरे का इफेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ।